गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास 7 रेशन नंबर चल रही है। तो पिछले क्लास में आपको बताए थे फाइंड आउट रेशन नंबर बिटवीन टू रेशन नंबर। आज मैं रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सिखा रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि रेशन नंबर टू फॉर्म में होती है, नहीं जानते हैं तो जानिए। एक होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में और एक होता है डिसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कैसे रिप्रेजेंट होती है। तो पी वाई क्यू, जो पी वाई क्यू की फॉर्म होती है, अगर केस वन लेते हैं या तो पी वाई क्यू लेस देन वन, ठीक है। तो लेस देन वन अगर रहेगा पी वाई क्यू, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं 3/5। एग्जाम्पल में समझिए 3/5 एंड नेगेटिव -3/5 एग्जाम्पल में दिया। तो आप क्या कीजिए कि नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा जो आप पिछले क्लास में सीखे हैं। 0 <1 है तो एक 1 यहां ले लिया, ठीक है, और एक नेगेटिव तरफ ले लिया -1। अब 3/5 है, ठीक है। तो 3/5 है, इसको 5 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो 4 डिवाइडर होना चाहिए, 1 इक्वल डिस्टेंस में 2, 3 और 4, ठीक है। इधर भी आप नेगेटिव माइनस इसको लेके चलिएगा, तो इधर भी 1, 2, 3 और 4। तो देखिए 5 भाग में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट 2nd पार्ट 3rd पार्ट 4th पार्ट 5 पार्ट, ठीक है। अब हमको रिप्रेजेंट करना है 3/5। तो आप जो ऐसे 1 जो डिवाइडर आपकी 1, 2, 3 यही है आपका, जो ऐसे कि जो 3/5 जो है आपको यही है, यही पर रिप्रेजेंट होगी। इसका नाम दे दीजिए ए 3/5, ओके। अब नेगेटिव में आएंगे तो फिर नेगेटिव में 1, 2, 3 इस पॉइंट पर होगी, ठीक है, -3/5। इसका भी नाम दे दीजिए बी, बी इक्वल टू -3/5। इस प्रकार से लेस देन वन का जो रिप्रेजेंट करना है, जब भी होगी तो 0, 1 के बीच में होगी। अब आप केस टू में आते हैं। केस टू में जब आएंगे पी वाई क्यू जो है से p/q > 1। एग्जाम्पल में आप लिखिए 5/3 ग्रेटर देन 1 है, मिस में तोड़िएगा तो 1 मिस क्या आएगा 3/2 आएगा, एंड लीजिए -5/3 इसको लिखिए -1 / 2/3 लिखिए। अब इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो इससे पता चलता है कि जब मेरा जो नंबर है 1, 2 के बीच में है, 1, 2 के बीच में। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन जब ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ 0 में लिया, 1 लिया, 2 लिया। अब तो पता है कि 1, 2 के बीच में होगा, आप 3 भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर नेगेटिव तरफ ही आइए, 1, -1, -2, ठीक है, -3 हम आ गए। अब है कि 1 / 2/3 यानी 1, 2 के बीच में होगा। तो डिवाइडर कितना डिवाइड, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 डिवाइडर होगा 1 और 2, 3 भाग बढ़ गया 1, 2 और 3। रिप्रेजेंट 1 / 2/3, तो पहला लाइन 1, दूसरा लाइन 2 यानी 5/3 जो है इसी नंबर इसी पॉइंट पर होगी। अब इसको आप जो ऐसे आप लिखिए 5/3 आपका रिप्रेजेंट हुआ। सेकेंड डिवाइडर पर यहाँ हो जाएगा 3/3 यानी कट गया यानी 2 हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट नेगेटिव तरफ यही बात हम देखेंगे, 1 -1 और -2 के बीच में होगी, ठीक है। तो इसमें भी तीन पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1 / 2/3 तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। -2/3 करना है, क्या करना है, -2/3 करना है। तो 2 यानी फर्स्ट डिवाइडर -1, ये क्या हो गया -2 हो गया, यानी आप कर सकते हैं -5/3। तो p को आप जो ऐसे यहाँ ए लिया, यहाँ p को आप जो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या करें, यहाँ ए रोक निशान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ ए रोक निशान आप दीजिएगा, मार्क कीजिएगा, p = हो गया -5/3। आप जो ऐसे p/q को माने जो फॉर्म होती है उससे आप जो ऐसे रिप्रेजेंट नंबर लाइन में इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। आप इसको समझिए,
आफ्टर ए डिसिमल एक्सपेंशन की बात है, एक पार्ट रह गया कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डिसिमल एक्सपेंशन अगर हम लिया, ठीक है 2.3 लिया, अब इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है पॉजिटिव में है 0 यानी 2 और 3 2 1 2, इसको और लंबा कीजिए, ठीक है डिस्टेंस रखिए 3, इक्वल डिस्टेंस होगी, हम ये बात को हम हमेशा जोड़ दे रहे हैं, तो 2.3 है तो 2-3 के बीच में होगा। डिसिमल एक्सपेंशन में आप इसको 9-10 पार्ट में डिवाइड करना है, किसी भी नंबर किसी भी बिटवीन में 10 पार्ट में डिवाइड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 जैसे ही डिवाइड हुआ तो 10 पार्ट हो गया आपका। अब है 2.3, हम जो बोर्ड पर बता रहे हैं आप स्केल से बनाना है, पेंसिल से बनाना है, मतलब क्लियरली बनाना आपको है, तो 2.3, तो ये 2.1 हो गया, ये 2.2 हो गया, 2.1, 2.2, आई आपका हो गया 2.3, तो आपको 2.3 आपको यहाँ हो गया, ठीक है ये तो आप ले सकते हैं ये 2.3। तो डिसिमल में आपको जब भी करना है इसको 10th पार्ट में डिवाइड करना है, 2.1 रिप्रेजेंट कर बोलेगा, 2.2, 2.3, तो इसी प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास है रिप्रेजेंट पर क्लास है, इसी पर आधारित होमवर्क मैं आपको डालूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा, स्टे होमवर्क। थैंक यू।